Assalamualaikum dear student, आज हम exercise 1.1 question number 2 में part last को solve करेंगे. इससे पहले हमने इसी question के 5 part को solve किए हुए थे और उससे पहले factorization method को भी पढ़ा हुआ था कि हम किस तरह quadratic equation को factorization method से solve करेंगे. आज जो है हम क्वेश्चन नंबर सेकंड के पार्ट लास्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ पढ़ेंगे जो कि क्वाड्रेटिक फार्मूले के बारे में. पढ़ते हैं पार्ट सिक्स की तरफ. स्टूडेंट हमारे पास पार्ट सिक्स को अगर हम देख ले, सबसे पहले हमने इसी क्वेश्चन को जो हमारे पास गिवन है इसको सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है. तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें सॉल्यूशन क्वेश्चन एक दफ़ा लिख ले. अच्छा मल्टीप्लिकेट ब्रैकेट है, इन ब्रैकेट को ख़त्म करनी है तो इसलिए हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है. एक्स को एक से साथ मल्टीप्लाई कर ले एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स को थ्री के साथ कर ले तो थ्री एक्स आ जाएगा. इसी तरह माइनस वन एक्स के साथ कर ले माइनस एक्स आ जाएगा और वन थ्री के साथ कर ले तो माइनस थ्री आ जाएगा. स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन कई दफ़ा आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, क्लास एट में भी क्लास नाइन में भी जो है वो आम मल्टीप्लिकेशन है. अच्छा फाइव को एक्स के साथ तो फाइव एक्स, फाइव को टू के साथ तो टेन आ जाएगी. इसी तरह माइनस थ्री अपनी जगह पर. स्टूडेंट एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर आ जाएगा थ्री एक्स और माइनस एक्स तो टू एक्स आ जाएगा माइनस थ्री अपनी जगह पर. इसी तरह फाइव एक्स प्लस माइनस माइनस टेन से अगर हम थ्री को सबट्रैक्ट कर ले सेवन आएगा, प्लस साइन बड़े का आएगा तो प्लस अपनी जगह पर. स्टूडेंट राइट साइड पर हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम देख ले तो राइट साइड पर हमारे पास क्या होता है, ज़ीरो होता है. तो इन दो जो हमारे पास टर्म है इस दो टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर ले ताकि हमारे पास यहाँ पर ज़ीरो रह जाए. स्टूडेंट एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर, टू एक्स अपनी जगह पर, फाइव एक्स इस साइड पर शिफ्ट होगा, यहाँ पर प्लस फाइव है तो यहाँ पर माइनस फाइव आ जाएगा. स्टूडेंट माइनस थ्री अपनी जगह पर, प्लस सेवन इस साइड पर शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस सेवन आ जाएगा. राइट हैंड साइड पर हमारे पास जीरो रह जाएगा. स्टूडेंट एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर टू एक्स और फाइव एक्स प्लस माइनस माइनस फाइव एक्स, अगर हम टू एक्स को सबट्रैक्ट कर ले तो हमारे पास थ्री एक्स आ जाएगा. साइन बड़े का लगेगा, माइनस थ्री एक्स आ जाएगा. एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स और इसी तरह माइनस माइनस प्लस थ्री और प्लस सेवन तो माइनस टेन आ जाएगा. तो इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टेन इक्वल टू जीरो. तो अब अगर हम इसको देख ले स्टूडेंट, ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब ए एक्स स्क्वायर, ए हमारे पास वन है एक्स स्क्वायर प्लस या माइनस बी एक्स, हम बी हमारे पास थ्री, एक्स हमारे पास वेरिएबल और माइनस टेन मतलब कांस्टेंट इक्वल टू जीरो. स्टूडेंट क्या प्रोसीजर करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को अप्लाई करते हुए इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है. तो सबसे पहला स्टेप क्या था, सबसे पहला रूल क्या था कि एक्स के कोफिशन के साथ जो भी होगा मतलब वन के अलावा तो तमाम इक्वेशन को इस पर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. लेकिन यहाँ पर वन है तो फर्स्ट नंबर रूल को छोड़ दें. बढ़ते सेकेंड की तरफ, क्या करना है, जो भी हमारे पास कांस्टेंट टर्म हो उसको क्या कर ले, शिफ्ट कर ले राइट हैंड साइड पर. तो माइनस टेन को जब इस साइड पर करेंगे शिफ्ट करेंगे तो प्लस टेन बन जाएगा. अच्छा स्टूडेंट क्या करेंगे, थर्ड स्टेप क्या था कि एक्स का जो भी हमारे पास वेरिएबल होगा उसको हम क्या करेंगे, टू पर डिवाइड करेंगे. हमारे पास जो भी आंसर आ जाए वो दोनों साइड पर ऐड करेंगे. तो अगर थ्री को हम टू पर डिवाइड कर ले स्टूडेंट तो हमारे पास आंसर जो है पॉइंट्स में आएगा. तो डिवाइड ना करें, डायरेक्ट स्क्वायर ले लें और दोनों साइड पर ऐड कर ले. स्टूडेंट यहाँ पर भी ऐड कर लो, यहाँ पर भी मैंने ऐड कर लिया और यहाँ पर भी. स्टूडेंट अगर हम देख लिए हमारे पास फार्मूला बनना है एक्स टू ए बी से पहले जो साइन है वो लगा ले और बी होल स्क्वायर हमारे पास फार्मूला इनक्लोज हो गया. टेन अपनी जगह पर प्लस थ्री स्क्वायर हमारे पास नाइन, टू स्क्वायर हमारे पास फोर. स्टूडेंट यहाँ पर नीचे हमारे साथ क्या है, वन है तो आप यहाँ पर जो है वन लिख ले. अच्छा स्टूडेंट फ्रैक्शन के दरमियान में प्लस साइन एल सी एम लेंगे, फोर एल सी एम हो गया. फोर वन पर डिवाइड कर ले फोर आता है, फोर को टेन के साथ मल्टीप्लाई कर ले फोर्टी प्लस अपनी जगह पर, फोर को फोर के साथ डिवाइड वन आ रहा है, वन नाइन जा नाइन आ रहा है. स्टूडेंट अच्छा स्टूडेंट ये अपनी जगह पर फोर्टी नाइन आ जाएगा डिवाइड बाय फोर आ जाएगा. स्टूडेंट दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले ले, दोनों साइड पर स्क्वायर रूट फोर्टी प्लस नाइन, फोर्टी नाइन डिवाइड बाय फोर दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले ले. स्टूडेंट इस साइड पर भी स्क्वायर रूट, इस साइड पर भी, यहाँ से एक्स माइनस एक्स माइनस थ्री बाई टू आ जाएगा. स्टूडेंट 49 का स्क्वायर रूट सेवन आ जाएगा और 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास टू आ जाएगा प्लस माइनस टू. स्टूडेंट इसको इस साइड पर शिफ्ट कर ले, थ्री बाई टू माइनस थ्री बाई टू इस साइड पर प्लस थ्री बाई टू और प्लस माइनस सेवन बाई टू अपनी जगह पर. स्टूडेंट इसको एक दफ़ा प्लस में लिख ले और इन तमाम को एक दफ़ा इस माइनस में लिख ले. अच्छा टू टू के एल सी एम ले ले तो हमारे पास टू एल सी एम आ जाएगा तो ऊपर थ्री प्लस सेवन आ जाएगा. इसी तरह नीचे भी
टू एल सी एम आ जाएगा, तो थ्री माइनस सेवन आ जाएगा स्टूडेंट। अच्छा, थ्री प्लस सेवन हमारे पास टेन डिवाइड बाई टू आ जाएगा, तो इससे स्टूडेंट टू को अगर हम टेन को अगर हम टू पर डिवाइड कर ले फाइव आ जाएगा। इसी तरह माइनस फोर को अगर हम टू पर डिवाइड कर ले तो स्टूडेंट हमारे पास माइनस टू आ जाएगा। तो इसी तरह हमारे पास सोल्यूशन सेट किसके बराबर होगा, फाइव और माइनस टू के बराबर, हमारे पास सोल्यूशन फाइव और माइनस टू के बराबर होगा। स्टूडेंट बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि थर्ड मेथड और लास्ट मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, जो कि हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला, मतलब वो कहते हैं ना करे हर उसूल का अपना कैप्सूल होता है, तो स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए उन्होंने क्या मुतारफ़ करवाया, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी मुतारफ करा। चलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले की तरफ। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है स्टूडेंट, स्टूडेंट अगर हम देख ले क्वाड्रेटिक फार्मूले को क्या, स्टूडेंट अगर हम क्वेश्चन में देख ले, क्वेश्चन में है हमारे पास, चलो क्वेश्चन में हमारे पास क्या है स्टूडेंट, क्वेश्चन फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है एक्स स्क्वेयर माइनस एट एक्स प्लस फिफ्टीन इक्वल टू ज़ीरो। पार्ट फर्स्ट हमारे पास क्या है स्टूडेंट, एक्स स्क्वेयर माइनस एट एक्स प्लस फिफ्टीन इक्वल टू ज़ीरो। स्टूडेंट इसको हम सॉल्व करेंगे कौन से मेथड से, क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करते हुए। बढ़ते सॉल्यूशन की तरफ, स्टूडेंट एक दफ़ा क्वेश्चन लिख लिए। अच्छा स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है, आप लोगों ने फार्मूला याद रखना होगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला है, उसी फार्मूले को यूज़ करते हुए हमने क्या इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप लिख लीजिए, वी नो डेट, हम जानते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले को आप याद कर लिए, एज वी नो डेट। अच्छा क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ पर वेरिएबल एक्स एक्स यूज हुए, तो इसलिए एक्स इक्वल टू क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी। अच्छा स्टूडेंट, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाई टू ए। स्टूडेंट ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूले, दोबारा याद रखिए इसको, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाई टू ए। स्टूडेंट ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसमें जो हमारे पास मुख्तलिफ जो अल्फ़ाबेट हम के लिए यूज़ हुए, एक ए बी और सी। स्टूडेंट अगर हमें ए बी और सी की वैल्यू मिल जाए तो हम इसको आसानी से इस फार्मूले में पुटिंग करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा तो ए और बी की वैल्यू कहाँ से आएगी स्टूडेंट, ए की वैल्यू एक्स स्क्वेयर की जो वैल्यू होगी, जो कोफिशेंट होगा वो ए की वैल्यू, तो एक्स स्क्वेयर का कोफिशेंट हमारे पास यहाँ पर वन है, तो ए की वैल्यू वन। स्टूडेंट बी की वैल्यू क्या होगी, जो एक्स का कोफिशेंट है वो क्या है स्टूडेंट, माइनस एट, तो माइनस एट बी की वैल्यू। अच्छा सी की क्या वैल्यू होगी, कांस्टेंट, तो सी हमारे पास क्या है स्टूडेंट, फिफ्टीन, जो कि कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास ए बी सी की वैल्यू आ गई। स्टूडेंट फार्मूले में पुट कर ले, पुट इन ए, स्टूडेंट फार्मूले में पुट कर ले, एक्स इक्वल टू माइनस बी क्या है हमारे पास, देखिए एक माइनस फार्मूले में है ये खुद लगा ले, और बी किसके बराबर है, माइनस एट के, तो ब्रैकेट में माइनस एट लिख ले, बी की जगह मैंने माइनस एट और ये वाला माइनस अपनी जगह पर, प्लस माइनस अंडर रूट स्टूडेंट बी स्क्वेयर, तो बी की क्या वैल्यू है, माइनस एट, माइनस एट और स्क्वेयर अपना खुद लगा ले, स्क्वेयर फार्मूले मैंने फार्मूले वाला लगा लिया, माइनस फोर अपनी जगह पर, ए हमारे पास क्या है वन, सी हमारे पास क्या है स्टूडेंट ए वन, और सी हमारे पास जो है वो फिफ्टीन के बराबर है। अच्छा स्टूडेंट डिवाइड टू, ए हमारे पास वन के बराबर है स्टूडेंट, फार्मूले में मैंने पुटिंग कर ली। अच्छा एक्स इक्वल टू माइनस माइनस प्लस एट आ जाएगा स्टूडेंट, माइनस माइनस प्लस एट, अच्छा स्टूडेंट प्लस माइनस, अगर हम माइनस एट का स्क्वेयर ले लें तो हमारे पास सिक्सटी फोर आ रहा है, मतलब अगर माइनस स्टूडेंट अगर हम क्या कर ले, अच्छा यहाँ पर देख ले, अगर हम कर ले माइनस एट मल्टीप्लाई माइनस एट, तो हमारे पास क्या आ रहा है स्टूडेंट, माइनस माइनस प्लस सिक्सटी फोर आ रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस सिक्सटी फोर लिख लिया।
अच्छा स्टूडेंट माइनस अपनी जगह पर, फिर फोर मल्टीप्लाई वन फोर, फोर मल्टीप्लाई फिफ्टीन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, सिक्सटी आ जाएगा, डिवाइड बाय टू मल्टीप्लाई वन, तो टू आ जाएगा। स्टूडेंट देख ले, एट प्लस माइनस अंडर रूट, अगर हम 64 से 60 सब्ट्रैक्ट कर ले तो 4 आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। स्टूडेंट समझ आ रही स्टूडेंट? अच्छा बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। स्टूडेंट 8 प्लस माइनस अंडर रूट 4 किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो x इक्वल टू 8 प्लस माइनस अंडर रूट 4 2 के बराबर है, डिवाइड बाय 2। स्टूडेंट अंडर रूट 4 2 के बराबर है, तो मैंने यहाँ पर 2 लिख लिया। स्टूडेंट एक स्टेप देख ले ज़रूर, स्टेप इन दोनों में से टू कामन है, तो मैंने टू कामन बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पर फोर रह जाएगा प्लस माइनस वन रह जाएगा। यहाँ पर टू अगर बाहर चला जाए तो यहाँ पर वन रह जाएगा, डिवाइड बाय टू अपनी जगह पर। स्टूडेंट एक दूसरा स्टेप देख ले, ये टू इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर फोर प्लस माइनस वन आ जाएगा। तो स्टूडेंट एक्स इक्वल टू फोर प्लस वन और x इक्वल टू फोर माइनस वन, तो इस तरह स्टूडेंट हमारे पास x इक्वल टू फाइव और x इक्वल टू थ्री आ जाएगा। अगर हम इस क्वेश्चन को देख ले तो हमारे पास x की दो वीडियो, x स्टूडेंट फोर प्लस माइनस वन आ जाएगा, तो एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस देख ले, तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है, हमारे पास सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या है, फोर फाइव और थ्री। इस तरह स्टूडेंट बढ़ते सेकेंड पार्ट की तरफ, इस पार्ट की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट, सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो। स्टूडेंट सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो। स्टूडेंट बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ, सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिख ले, क्वेश्चन लिख ले, सॉल्यूशन क्वेश्चन हमारे पास है, एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो। एज वी नो डेट फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लोग जानते हैं क्या है माय स्टूडेंट, एज वी नो डेट क्वाड्रेटिक फार्मूला, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाई टू ए। हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फार्मूला, अच्छा ए हमारे पास क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर कोफिशेंट पे वन है, ए हमारे पास वन, बी हमारे पास क्या है माइनस टू, इसी तरह सी हमारे पास क्या है माइनस फोर। स्टूडेंट पुट कर ले इसमें वीडियो, एक्स इक्वल टू माइनस बी एक माइनस अपना वाला, और बी किसके बराबर है माइनस टू के बराबर है, प्लस माइनस स्टूडेंट बी स्क्वेयर तो माइनस टू स्क्वेयर, क्योंकि बी की वैल्यू माइनस टू है, माइनस फोर, ए की वैल्यू हमारे पास वन है स्टूडेंट, और सी की वैल्यू माइनस फोर डिवाइड बाई टू, ए की वैल्यू वन है। स्टूडेंट अगर हम देख ले यहाँ पर माइनस माइनस प्लस टू आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस टू का स्क्वेयर, तो स्टूडेंट फोर आ जाएगा, माइनस फोर मल्टीप्लाई वन फोर, फोर मल्टीप्लाई माइनस फोर, फोर मल्टीप्लाई फोर सिक्सटीन आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस सिक्सटीन आ जाएगा, इसे स्टूडेंट डिवाइड बाय टू आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट अगर हम देख ले एक्स इक्वल टू टू प्लस माइनस, ये हमारे पास ट्वेंटी डिवाइड बाय टू। अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन में देखें स्टूडेंट, तो अंडर रूट फोर यहाँ पर आया हुआ था, और फोर परफेक्ट स्क्वेयर है, तो इसलिए फोर की डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास टू आ गई। अगर हम यहाँ पर देख लें, यहाँ पर अंडर रूट ट्वेंटी है, ट्वेंटी परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है, मतलब अगर हम इस पर स्क्वेयर रूट ट्वेंटी ले लें तो हमारे पास आंसर पॉइंट्स में आएगा। तो इसलिए सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट, हम इसके जो है प्राइम फैक्टर मालूम करेंगे। स्टूडेंट क्या करेंगे, अंडर रूट ट्वेंटी के जो है वो प्राइम फैक्टर मालूम करेंगे, मतलब टू टेन टू फाइव फाइव वन। तो स्टूडेंट अगर हम ट्वेंटी की बजाय टू मल्टीप्लाई फाइव लिख ले, लिख सकते हैं स्टूडेंट देख लें यहाँ पर, एक्स इक्वल टू टू प्लस माइनस अंडर रूट टू मल्टीप्लाई फाइव, ट्वेंटी की जगह मैंने क्या लिख लिया टू मल्टीप्लाई फाइव डिवाइड बाई टू। स्टूडेंट देख ले एक्स इक्वल टू टू इंटू प्लस माइनस, अच्छा इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ टू स्क्वेयर मल्टीप्लाई फाइव, हाँ लिख सकता हूँ, इन दोनों की बजाय मैंने क्या लिख लिया टू स्क्वेयर लिख लिया डिवाइड बाय टू लिख लिया। अच्छा स्टूडेंट टू प्लस माइनस, मैंने इस टू स्क्वेयर को अलग अंडर रूट दे दिया और फाइव को
अलग अंडर रूट दे दिया डिवाइड बाय टू। स्टूडेंट एक्स इक्वल टू टू प्लस माइनस टू, ये इसके साथ कैंसिल, तो यहाँ पर टू आ जाएगा और अंडर रूट अपनी जगह पर आ जाएगा। मतलब स्टूडेंट अंडर रूट स्क्वेयर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास टू आ जाएगा और अंडर रूट फाइव अपनी जगह पर, और टू इस तरह कर ले। स्टूडेंट इन दोनों में से मैं टू कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पर वन आ जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पर वन आ जाएगा और अंडर रूट फाइव, मतलब वन अंडर रूट फाइव, वन तो हम लिखते नहीं है ना, लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर वन मौजूद है, डिवाइड बाय टू। अच्छा स्टूडेंट ये टू इस टू के साथ कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा वन प्लस माइनस अंडर रूट फाइव। तो एक दफ़ा स्टूडेंट प्लस में लिख ले फाइव और एक दफ़ा माइनस में लिख ले, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन सेट हो जाएगा। तो स्टूडेंट सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या है, वन प्लस अंडर रूट फाइव और वन माइनस अंडर रूट फाइव।